नमस्कार बंधुओं, मैं सुबोध कुमार, SDM इंटर कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद। मेरा विषय है बंधुओं, विद्यालय स्तर पर, समाज स्तर पर या शासन स्तर पर विद्यार्थियों के प्रति राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या कदम उठाने चाहिए। वैसे तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एकल शिक्षा नीति का आह्वान किया है। उसमें कुछ बिंदु हैं, उनको मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। पहला बिंदु है कि विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्रियाकलाप भी होने चाहिए, जिससे विद्यार्थी के मानसिक विकास में प्रभावी होगा। दूसरा विषय है सरकारी, अर्ध सरकारी व व्यक्तिगत विद्यालयों के शिक्षक आपस में मिलकर अपना ज्ञान साझा करें, जिससे कि उस विद्यार्थियों को आने वाली समस्याओं का सामना ना करना पड़े और उन्हें अच्छे अच्छे सुझाव मिलते रहें। तीसरा मेरा प्रश्न है कि समय समय पर विद्यालय स्तर पर मासिक या पाक्षिक हमें गोष्ठियाँ करनी चाहिए, जिसमें शिक्षक अभिभावक दोनों बैठकर विद्यार्थी की समस्या का समाधान भी कर सकें और आने वाली जो समस्याएं उन पर भी हम विचार कर सकते हों। चौथा प्रश्न है मेरा पठन पाठन कार्य। जब तक हमारा पठन पाठन कार्य रुचिकर नहीं होगा, विद्यार्थी उसे मन से नहीं लेगा, तब तक विद्यार्थी को कोई बात समझ में नहीं आ सकती है। इसके बाद हमारा पाँचवा विषय आ जाता है कि शिक्षण संस्थानों में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे प्रयोगशाला है, खेल उपकरण हैं और अन्य वाद्य यंत्र आदि है, पुस्तकालय आदि है। अगर इन चीज़ों का उनमें व्यवस्था होगी तो विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देगा और अधिक ज्ञान अर्जन करता रहेगा। तभी जाकर कहीं हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हमारा लक्ष्य पूरा हो सकता है, अंततः ये लक्ष्य हमारा पूरा नहीं हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।